मैंने पिछले व्लॉग में आपसे एक बात कही थी कि जंगल में ख़तरा तब लगता है जब वो आपके पास होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंसिडेंट है ये हमारे ट्रैक का इंसिडेंट है जो हमने जंगल ट्रैक करा था। हालांकि उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ ऐसा पता चला जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों शुरुआत ऐसी होती है, मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया कि हम एक ट्रैक करते हैं, एक जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर देख रहे हैं टाइगर की मूवमेंट। वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता, हम ज़्यादा अंदर ट्रैक नहीं करते, ऊपर रोड के आसपास रहते हैं, जानपूछ के गाड़ी के पास रहते हैं। तो दोस्तों सीन ऐसा होता है कि हम जंगल में ट्रैक करते हुए जा रहे होते हैं, रिजर्वर के पास पहुँचते हैं, इधर उधर देखते हैं तो कोई कॉल, कुछ अलार्म कॉल कुछ नहीं सुनाई देती है। तो जंगल नॉर्मल एक उसमें लगता है हमें कि सब कुछ नॉर्मल है, तो हम वो ट्रैक करते हैं, घूमते फिरते हैं, फ़ोटो क्लिक्स कराते हैं और वापस आ जाते हैं। अब जब हम आते हैं उसके दो दिन बाद मुझे एक व्यक्ति मिलते हैं जो मुझे एक कहानी सुनाते हैं। मैं घबरा जाता हूँ, मुझे बताते हैं टाइगर उनकी गाड़ी पे चार्ज करके गया है रात, टाइगर ने चार्ज करा उनकी गाड़ी पे, ओपन जिप्सी बताते हैं वो अपनी कि उस पर चार्ज करा है टाइगर ने। क्योंकि मैं उनकी बात पे विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ऐसी बात कहेंगे नहीं, और कोई टाइगर के बारे में ऐसे क्यों बताएगा हमें। तो मैं घर आता हूँ, मैं सोचता हूँ, और तब मुझे एक बात रियलाइज़ होती है कि जंगल में ख़तरा तब होता है जब आपके पास हो। उस टाइम हमारे पास कोई ख़तरा नहीं होता तो हमें लगता नहीं कि जंगल ख़तरनाक है, लेकिन जब मैं ये बात सुनता हूँ तब मुझे डर लगता है। तो जंगल का ये स्वभाव है, व्यवहार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जंगल में। आप ये ना सोचें कि हम यहाँ पर ये कर लेंगे तो ये नहीं होगा, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ये हकीकत बात है दोस्तों। हम ये नहीं कहते हम प्रोफेशनल हैं या हमें चीज़ों के बारे में पता है, अगर हम प्रोफेशनल भी हमें पता भी है तो भी हमारी जान का रिस्क तो है ही। तो पहले तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो लोग नए नए ट्रैक करते हैं ना करें, कोशिश करें कि प्रॉपर सेफ्टी के साथ करें। अगर करना है तो कोई क्या कहते हैं आपके साथ कोई गाइड हो या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा हो उसके साथ कर लें, अकेले ये कोशिश ना करें। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ वीडियोज़ में भी और ऐसे भी लोग ट्रैक करना शुरू कर देते हैं जिनको जंगल की नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, मैं जनरली बात कह रहा हूँ। बात आती है टाइगर चार्ज की, टाइगर चार्ज क्यों करता है, कब करता है और कैसे करता है। तो दोस्तों टाइगर तब चार्ज करता है जब उसे ख़तरा फील होता है, वो आपको डराने के लिए चार्ज करेगा। यहाँ चार्ज में और अटैक में मतलब तो सेम है, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। जिस टाइगर को चार्ज कर अटैक करना होगा वो आप पे कभी चार्ज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट अटैक करेगा, और जिस टाइगर को चार्ज करना होगा वो अटैक जल्दी नहीं करेगा। बेसिकली चार्ज का मतलब ये होता है कि आपको वार्निंग देता है कि आप यहाँ से चले जाओ, ये मेरी टेरिटरी है। आप उस वार्निंग को कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार टाइगर आवाज़ निकाल के भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मैं हूँ। दो से तीन दफ़ा करेगा, अगर उसमें नहीं समझ में आया किसी को तो चौथी पाँचवीं बार में वो आके अटैक भी कर सकता है। तो दोस्तों कहने को समझदारी और बेवकूफ़ी के बीच में पतली सी लाइन है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कई बार लोगों को यही समझ में नहीं आता कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं या अकलमंदी कर रहे हैं। तो जंगल का सीन है, कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है दोस्तों, बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं जंगल में जब आप जंगल में कहीं होते हो। तो अपने आसपास की चीज़ों को समझें, जंगल में जंगल के व्यवहार को समझें कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। अलार्म कॉल्स पे ध्यान रखें, टाइगर के पग मार्क्स पे ध्यान रखें। अगर अलार्म कॉल भी नहीं है, आपको टाइगर के पग मार्क भी नहीं दिख रहे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ टाइगर नहीं है, टाइगर का कहीं भी हो सकता है। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, वो हमें देखता है, हम उसे नहीं देख पाते। क्या कमाल की बात है ना दोस्तों, क्या उसकी सुनने की पावर है, क्या उसकी देखने की पावर है और क्या उसके सूंघने की पावर है ना, कि हमारी मौजूदगी वो कहीं से भी सुन सकता है, सूंघ सकता है हमें और हमें देख भी सकता है।
तो ये उसका बड़प्पन ही कह लो कि वो इतनी जल्दी आके इंसानों पे अटैक नहीं करता, इंसानों से दूरी बना के ही रखता है। तो कभी आप देखते हैं ट्रैक करते होंगे तो आपको लगता है कि यार पगमार्क तो है यहाँ सब कुछ है लेकिन टाइगर नहीं है, तो टाइगर वहीं होता है लेकिन वो आपके पास नहीं आता क्योंकि आपसे वो दूरी बना के रखता है। तब उससे बिल्कुल ही आप ज़्यादा उसके करीब आ जाएंगे या बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाएगा उसके लिए कि आप उसे कुछ करना पड़ेगा तो वो ये करता है, और उसमें भी अटैक के चांसेस बहुत कम है। पहले तो वो कोशिश करता है कि आपको अपने आवाज़ से और उससे बता दे कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ से चले जाओ। तो समझने वाले समझ जाते हैं, नादान जो लोग होते हैं उनके साथ हादसे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ट्रैक करें, सबको शौक होता है। आप लोग कहेंगे आपने कर लिया, आपने क्यों करा, आपको पता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें करी नहीं जाती, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। हम इंटेंशनली नहीं करते लेकिन कुछ सीन ऐसा हो जाता है कि मजबूरन हमें वो करना पड़ता है, लेकिन हम बहुत ध्यान से रहते हैं। आपने देखा होगा मेरे पिछले ट्रैक में मैंने ज़्यादा जंगल को एक्सप्लोर नहीं करा, मैं एक जगह पे खड़ा रहा, वीडियो बनाता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक्सप्लोर करूँगा तो यहाँ सिचुएशन कभी भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं अपने दायरे में ही रहा, अपनी हदों में रहा, गाड़ी पास थी। टाइगर के चार्ज से एक और मुझे चार्ज याद आ गया टाइगर का, जो कई बार मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है लोगों को, तो मैं आपको फिर वो किस्सा सुना देता हूँ। तो होता यह है दोस्तों, हम जंगल में सफारी पे होते हैं, मॉर्निंग सफारी होती है, हम चार लोग होते हैं, तो हम जंगल में घूम रहे होते हैं। एकदम से दिखता है सामने ड्राइवर को कि दो टाइगर खड़े हुए हैं, एक टाइग्रेस और उसका कब। तो जब टाइग्रेस उसका कब वहाँ खड़े होते हैं, दूर से हम देख रहे होते हैं, फिर पास जाते हैं, थोड़ा सा जाना ही पड़ता है, सर्टेन डिस्टेंस रखना पड़ता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पास चले गए। वो ड्राइवर और गाइड को पता है कि कितनी दूरी पे व्हीकल खड़ा करना है जब टाइगर सामने हो, तो हम एक स्पेसिफिक दूरी पे पहुंच जाते हैं टाइगर से। तो लेकिन टाइगर क्या करता है, हमें आता हुआ देख के नीचे रिवर की साइड, नीचे लेफ्ट साइड में रिवर होती है, वो बेंड पे होता है टाइगर, तो नीचे की तरफ उतर जाता है। हम क्या सोचते हैं, हमें झाड़ियों से हमारा विजन जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो हमें दिखता है वो नीचे उतर गया टाइगर। तो हम कहते हैं चलो अब तो नीचे उतर गया, सामने उसके रास्ते पे चला, हम फोटो वगैरह खींच लेंगे। लेकिन जब हम गाड़ी ले वहाँ पहुँचते हैं तो टाइगर नीचे नहीं उतरा होता, वहाँ झाड़ियों में खड़ा होता है, और वो दोनों माँ बच्चे जो गुर्राते हुए हमारी तरफ आते हैं। मैं ऊपर खड़ा होता हूँ सीट के ऊपर, वीडियो बना रहा होता हूँ। मेरा आई कॉन्टैक्ट टाइगर से ज़िंदगी में पहली बार तब हुआ था उस चार्ज पे, जब मैं उसकी आँखों में आँखें मिला के देखता हूँ। गुर्राती भी आती है मेरे पास, घूम करके डरा के चली जाती है। थोड़ी देर के लिए माहौल ऐसा हो जाता है कि ये क्या हुआ, मुझसे जो रिकॉर्डिंग का बटन होता है वो ऑन नहीं हो पाता, ये इतना तेज़ होता है सब। तो वो चीज़ होती है, हम रास्ता छोड़ देते हैं टाइगर के लिए, फिर टाइगर अंदर दूसरी तरफ राइट साइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले जाते हैं वो झाड़ियों में। तो काफ़ी उस टाइम लगता है कि हाँ भाई चार्ज कर दिया, गरम गरम खून होता है, भाई साहब ये क्या हुआ, मज़े आया बहुत। उस दिन मैं रात को सोने लेटता हूँ तो आप यकीन माने मुझे नींद नहीं आती, मुझे मौत दिखाई देती है कि उस टाइम अगर वो टाइगर, मैं जिप्सी पे नहीं होता, मानो ज़मीन पर होता, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। टाइगर का खौफ उसकी आंखों में आप साफ साफ देख सकते हैं। ये आज मैं बता रहा हूँ बात तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, तो क्या ही वो सीन था, क्या ही वो गुर्राती भाई। उस टाइम अगर मेरा कैमरा ऑन था तो आप लोग देखते वो कितना ख़तरनाक और कितना एक तगड़ा मूवमेंट था। हालांकि जंगल में है तो ख़तरनाक नहीं कहूँगा क्योंकि वो मॉक चार्ज करके गई थी, यहाँ पे मैं टाइगर को भी बदनाम नहीं करूँगा, लेकिन एज अ ह्यूमन मुझे पता चला कि हमारा वजूद क्या है टाइगर के सामने, उसकी एक धाड़ी हमारे होश उड़ाने को काफ़ी है। तो यही सीन हुआ, रात को मुझे नींद नहीं आई, मुझे एहसास हुआ कि कभी टाइगर किसी पर अटैक करता होगा तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, आधा इंसान तो ऐसे ही मर जाता होगा उसको सामने देख के। तो यही दोस्तों जंगल का एक उसूल भी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखें, जंगल जब जाएँ तो जंगल को कभी लाइटली न लें। मैं कहता हूँ टाइगर नहीं, लेपर्ड नहीं, हाथी नहीं, जंगल में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जैसे सांप होगा, बिच्छू होगा, कुछ कीड़े हो गए जो आपको पता नहीं चलेगा कि मौत कब कहाँ से आ जाएगी। तो हमेशा जंगल में चौकन्ना रहें, सतर्क रहें, और जंगल को फील भी करें, जंगल को इन्जॉय भी करें, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ। जो जंगल जाते हैं, जो जिन्हें जंगल जाने का शौक़ है वो प्रिकॉशन लेके चले, उनकी हिम्मत को मैं सलूट करता हूँ, जो वाइल्ड लाइफ और नेचर से बहुत लगाव रखते हैं, रखना भी चाहिए। तो हमारे लिए जंगल भी उतना ही ज़रूरी है जितने जानवर हमारे लिए ज़रूरी है। तो कभी जंगल जाएँ तो ये कोशिश करें ना जंगल को नुकसान पहुँचाएँ,
ना वहाँ किसी एनिमल को नुकसान पहुँचाए। अगर आपकी प्रेजेंस से एनिमल डिस्टर्ब हो रहा है तो वो जगह आप छोड़ दें, उसको भी नुकसान नहीं पहुँचाए। याद रखें कि आप किसी के घर में, हम उनके घर में जाते हैं, वो हमारे घर में नहीं आते, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे उनके चलेंगे, हमारे नहीं। आपके घर में कोई बिन बुलाए आ जाएगा तो आप भी तो गुस्सा करेंगे, ठीक उसी तरह टाइगर और ये जानवर भी गुस्सा करते हैं। तो दूर से जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि आपसे डिस्टर्ब ना हो कोई भी जानवर, हम भी यही कोशिश करते हैं। और कोई कमी पेशी हो जाती है तो हमें सीखने को मिलता है कि हमने क्या गलती करी, आगे हम कोशिश करते हैं वो गलती ना दोहराए। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जंगल को से प्यार करें बिल्कुल, और जंगल आए भी सफारी भी करें, लेकिन चीज़ों को ध्यान में रखें। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। थैंक यू।